अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि अब हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे। आज फिर हम फिर एक और नया वीडियो लेके आए मोहम्मद अली रोड से। आपको जैसे पता है कि मैं बॉम्बे में हूँ और रमज़ान की रौनकें देखने यहाँ पे हम लोग आए हैं। हमारे साथ आज फिर रास्ता है। वालेकुम रास्ता, कैसे हो? वालेकुम सलाम। तो आज फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। आज हम लोग हलीम ट्राई करेंगे। कल जो हमने ट्राई नहीं किया था आज हम वो ट्राई करेंगे। रास्ता हमको बताएंगे यहाँ पे और क्या क्या चाहिए। अभी आज क्या हलीम ट्राई करें? हाँ जी, तो आज आप हलीम ट्राई करेंगे। तो रास्ता हमको वहीं पे, ये सब कुछ मोहम्मद अली रोड पे है, मीनारा मस्जिद के पास में। तो हलीम ट्राई करते हैं, ठीक है रास्ता? हैदराबाद ही है। ये बदामी हलीम कल हमने ये ट्राई नहीं किया था, आज हम ये ट्राई करेंगे। क्या प्लेट सी थी पैसा वाली? भाई 100 रुपया, 150, 250 फैमिली पैक। ये बीच वाला दे, ये वाला 150 रुपया है। एक ही बनाओ खाने का? ये खाने का, खाने का रास्ता। एक मिनट पहले क्या करेंगे, एकदम प्योर चीज़ है। घी यूज किया इन्होंने, बरिस्ता भी डाला है, नींबू भी डाला है। नींबू भी डाल दिया। अभी इसको जो है ना, नींबू अपन निचोड़ दिए, और देखो अभी इसको हमने ऐसा पकड़े, मिक्स कर दिए, और इसका थोड़ा टेस्ट जो है ना बढ़ जाता है। इसका टेस्ट बढ़ जाता है। रमजान में ये लगा, खाली हम रमजान शरीफ में आते हैं, एक महीने के वास्ते लगाते हैं। बहुत दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, नासिक से, पूना से, कहाँ कहाँ से आते हैं। आप जोधपुर से आए हो, सूरत से भी आते हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने। ट्राई करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। हलीम भाई साहब ने हमको खिलाया माशाल्लाह, इन्होंने अपने हाथों से मिक्स किया नींबू और सब कुछ, उन्होंने जो बरिस्ता डाला था। मैं ट्राई करता हूँ, पहले रास्ता आप ट्राई करो। आ जाओ, जब हलीम की बात आती है तो मैं चम्मच से नहीं खाता हूँ, पता है, मैं हमेशा हाथ से खाता हूँ। बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह एकदम। इन्होंने जो इंग्रीडियंट जो यूज़ किए ना, सही है। इन्होंने बाकी में जो घी और जो भी इंग्रीडियंट यूज़ किए हैं वो सुपीरियर क्वालिटी की माशाल्लाह। यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ भी खाना खाया है बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कोई चीप खाने लोग खिला रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं ये फिनिश करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं इंशाल्लाह। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई हलीम है, हैदराबादी बदामी हलीम है, शाहरुख सलमान का फेवरेट हलीम है। खाते रहो, खिलाते रहो, एक दूसरे को टेस्ट कराते रहो। और आपसे शराब का भी फेवरेट है यहाँ पे। आप जब भी अगर रमजान के महीने में आए तो इनकी शॉप का जरूर हैदराबादी बदामी हलीम, ठीक है? चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी तो मैं ख़त्म हुआ नहीं है। तो हम लोगों ने हलीम खा लिया है माशाल्लाह। 150 रुपये का था ये जो मैंने लिया है। और आप यहाँ पे हलीम तो खाएं, और ये भाई साहब से भी मुलाकात ज़रूर करें, बहुत ही ज़बरदस्त आदमी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुलाकात करके। तो बस हलीम खा लिया है, अब मैं सोच रहा हूँ कि जो यहाँ पे सबसे पुरानी रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी जाके हम लोग ट्राई करेंगे। इनको मैं पहले पेमेंट देता हूँ, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। तो हलीम हम लोगों ने खा लिया है, अब आपको जो यहाँ पे सबसे पुरानी रेस्टोरेंट है हिंदुस्तान रेस्टोरेंट के नाम से, वहाँ पे जाके, ये जो मैंने सुना है इनकी काफ़ी टिकिया काफ़ी फेमस है, ये भी आपको मीनारा मस्जिद के पास ही मिलेगी, और इनका भी आप यहाँ पे ज़रूर, ये सबसे पुरानी रेस्टोरेंट है। तो चलिए अपन यहाँ की जो टिकिया है वो ट्राई करते हैं, वही चीज़ फेमस है यहाँ की। हिंदुस्तान रेस्टोरेंट के नाम से काफ़ी पुरानी है, और इनकी टिकिया मैंने काफ़ी सुना है काफ़ी अच्छी बनती है। देखिए आप यहाँ पे बना रहे हैं भैया, टिकिया बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया? कबाब है ये यहाँ की, काफ़ी फेमस है। नहीं, क्या नाम से ये? हिंदुस्तान छोला कबाब। कौन से? हिंदुस्तान छोला कबाब। हिंदुस्तान छोला कबाब। तो ये कहाँ पे ऑर्डर देना पड़ेगा इसके लिए? ऑर्डर कहाँ पे? चलो हम लोग ऑर्डर देते हैं, फिर यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो ये हिंदुस्तान रेस्टोरेंट का जो फेमस कबाब है वो अब हम लोग वो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। चलिए ट्राई करते हैं। ये हमारा भाई साहब हमारा, चलिए हम टोकन सिस्टम है यहाँ पे। चलिए ये लो भैया। देखिए जो कबाब कितना बड़ा और काफ़ी अच्छा निकालता है ये माशाल्लाह। कबाब ट्राई करते हैं, हमारे कबाब पैक करो भैया। काफ़ी पुरानी रेस्टोरेंट, सबसे पुरानी मेरे हिसाब से यहाँ पे मीनारा मस्जिद के पास हिंदुस्तान रेस्टोरेंट है ये, और इनके कबाब काफ़ी फेमस है। तो बस वो ट्राई करेंगे अब। ये हमारे कबाब आ गए, चलो ट्राई करें। हिंदुस्तान के छोटे कबाब मेरे हाथों में, और अब ये मैं मुँह में जाने के लिए बेदाब हो रहे हैं। ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो जहाँ जहाँ भी मैं
बॉम्बे की ट्रिप में जो भी मैंने ट्राई किया आप सब वहाँ पर जाके जरूर ट्राई करें, स्पेशली हिंदुस्तान रेस्टोरेंट आप जरूर आएँ, काफ़ी पुरानी है और इनके छोटे कबाब जरूर ट्राई करें। चलिए आप देखें आगे क्या क्या है। तो बस हम लोग आज फिर हम लोगों ने ये जो हलीम खाया है और हिंदुस्तान रेस्टोरेंट के फेमस छोटे कबाब खाए। हिंदुस्तान रेस्टोरेंट जो है वो काफ़ी पुरानी रेस्टोरेंट है, 80 साल से वो लोग काम कर रहे हैं और उनके जो छोटे कबाब है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है नहीं राज साहब? जी हाँ जी। तो बस ये वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से हम लोग यहाँ मोहम्मद अली रोड पर फिर लेके आएंगे और आपको बताएंगे और आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे खा सकते हैं। मतलब आप बस यहाँ पे घूमते रहें और आपको रेस्टोरेंट मिलती रहेगी, टिकेज हलीम जो भी आप बस आप बोलो और आपको मिल जाएगा। तो बस यहाँ ख़त्म करते हैं, आप शादाब टॉक्स को देखते रहें, इंशाल्लाह ज़िंदगी तो मुलाकात भी होगी। आप हमें दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखेंगे। रात से कुछ बोलेंगे आप? अल्लाह हाफिज़। चलो फिर अल्लाह हाफिज़।